कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। भाई आज जो हमारे पास गाड़ी आई है वो है मारुति की स्विफ्ट गाड़ी। गाड़ी में जो प्रॉब्लम है कि गाड़ी कस्टमर कह रहा है कि थोड़ी देर चलने के बाद आगे से बदबू आनी शुरू हो जाती है। बदबू किस चीज़ की है भाई? गाड़ी गर्म हो जाती है आगे से, इंजन गाड़ी का जो है गर्म हो जाता है जिससे स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जिसका कस्टमर को पता नहीं कि दिक्कत क्या है गाड़ी में। तो दिक्कत जो है गाड़ी में मेनली, जो गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो एक एल्बो होती है वहाँ पर, वो लीक हो रही है और वहाँ से गाड़ी का पानी सारा लीक हो जाता है जिससे गाड़ी गर्म होती है। आज जो हम काम करेंगे गाड़ी में उसका थर्मोस्टेट वाल्व चेंज करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी गर्म हो रही है दिक्कत क्या होती है, और भाई जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है उसको चेंज करने का गाड़ी पे खर्चा क्या आता है, इस बारे में बात करेंगे। और भाई दूसरी जो कंप्लेंट है कस्टमर की कि गाड़ी की रोशनी कम है हेडलाइट की, वो इस कारण है भाई क्योंकि उसमें 55-60 वाट की ट्यूब डली हुई है, वो निकाल के हम गाड़ी के अंदर लगाएंगे 90-100 वाट की ट्यूब, उसी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। गाड़ी के अंदर कोई रिले वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्यूब चेंज करने से ही सारा काम बन जाएगा, वो भी दिखाएंगे। और एक गाड़ी का जो रियर बम्पर है उसकी जो पीछे फोग लाइट जिसे बोलते हैं रियर बम्पर की, वो भी टूट गई है, वो चेंज कर रहे हैं। तो ये सारा काम गाड़ी में कर रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको बाहर वर्कशॉप में लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी क्या क्या काम और कैसे कर रहे हैं और कौन सी एल्बो है जो हम चेंज करेंगे। कौन सी लाइट चेंज की है? बम्पर की, नीचे की, नीचे फोग लाइट। ठीक है भाई, बम्पर के अंदर जो लाइट चेंज की है ना वो ये देखो, पुरानी लाइट ये है इसकी, वो जो नई हमने डाली है वो नीचे इसके अंदर लगा दी। इसकी जो है एल्बो लीक है, एल्बो यहाँ से चेंज करेंगे थर्मोस्टेट वाल्व। ये सारा फिटिंग खुलेगी इसकी, इसके नीचे की तरफ होता है, वो दिखाएंगे आपको क्या क्या काम करेंगे इसके अंदर। ये जो फिटिंग आप देख रहे हैं ना सामने बैटरी वगैरह, ये कूलेंट की जो बोतल है सारी बाहर निकलेगी, इसके निकालने के बाद ही प्रॉपर आपको दिखा पाएंगे कि होती क्या है वो थर्मोस्टेट एल्बो जिसे बोलते हैं, वो दिखाएंगे। थर्मोस्टेट वाल होता है मतलब एल्बो के अंदर फिट होता है, वो दिखाएंगे आपको एक बार बाहर निकाल लेंगे तब। भाई गाड़ी जब हमारे पास आई ना, बिल्कुल भी पानी नहीं था गाड़ी के अंदर, पानी हमने डाला इसके अंदर लगभग 4 लीटर पानी के आसपास इसके अंदर पानी आया, और उसके बाद से गाड़ी जब स्टार्ट की तो 15-20 मिनट के बाद गाड़ी फिर से गर्म होना शुरू हो गई। तो अभी एल्बो से पानी की लीकेज भी थी वो देखी, उसके बाद इसकी फिटिंग खोल रहे हैं सारे। भाई ये देखो, इसको एल्बो के सारे नट हमने खोल दिए जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है, अब इसको बाहर निकालने की तैयारी है, दिखाएंगे आपको बाहर निकाल के। एक पाइप इसका रह गया वो खोल लेंगे, उसके बाद बाहर निकाल लेंगे। तो ये यहाँ से लीकेज है भाई, यहाँ से इसकी लीकेज थी, यहाँ पे जो रबड़ ग्रिंग होता है ना वो इसका ख़त्म हो गया है ऊपर से, इसलिए लीकेज होकर सारा पानी इसका निकल जाता है, इस एल्बो को चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर ही होता है थर्मोस्टेट वाल्व, ये देखो अंदर दिख रहा होगा आपको। मेन इसका जो कारण है ना, गाड़ी के अंदर कूलेंट नहीं है, जंग लगने के कारण ये सारा काम हुआ है इसके अंदर, अभी इसको चेंज करेंगे। भाई अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो पुरानी एल्बो, अगर दोबारा से देखो इसकी ये स्थिति है, और जो गाड़ी के अंदर हम डालेंगे नई वो ये है देखो, तो ये नई है बिल्कुल नई, ये रिंग होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पर रबड़ करेंगे, और साथ में इसके ये छोटा पाइप है जो ये भी डाल लेंगे इसमें, इसका जो छोटा पाइप है ना ये भी ख़राब तो हुआ पड़ा है, ये देखो सामने। तो ये दोनों चीज़ डालेंगी, डालते हैं इसके अंदर, फिटिंग करते हैं, दिखाते हैं आपको। भाई अभी हम जो गाड़ी के अंदर लाइट डालेंगे ना ट्यूब, देखो ये डालेंगे क्रिस्टल लाइट वाली, इससे गाड़ी की रोशनी बढ़ जाएगी, 90-100 वाट की ट्यूब है ये। और जो गाड़ी के अंदर पहले ट्यूब है वो दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो ये है 5500 वाट की, ये देखो भाई 60 वाट की ट्यूब है ये, 12 वाट की,
और हम जो डालेंगे वो है 90-100 वाट की ट्यूब, अभी दिखाते हैं आपको। और ट्यूब है 90-100 वाट, ये देखो अंदर से ट्यूब आपको दिखाता हूँ, पैकिंग के अंदर से बाहर ये देखो इस टाइप की कुछ ट्यूब है। जैसे वो मैंने ट्यूब आपको दिखाई थी वो थी 55-60 वाट, और ये भी दिखाता हूँ आपको भाई। भाई यहाँ भी दिखाते हैं थर्मोस्टेट है ना जो पूरी, उसकी हमने फिटिंग कर दी सारी, बस अभी बैटरी बक्सा वगैरह लगाएंगे और जो कूलेंट की बोतल वगैरह वो सारी फिटिंग करेंगे, उसके बाद गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे गाड़ी की हेडलाइट की जो ट्यूब है वो चेंज की जा रही है। भाई यहाँ पे देखो अभी पूरी फिटिंग हमने इसकी कर दी थर्मोस्टेट वाल की, सारी सेटिंग करने के बाद गाड़ी तैयार है। इसकी जो ट्यूब चेंज की है ना हेडलाइट की, अभी उनकी रोशनी दिखाते हैं आपको कैसी है। देखो ट्यूब चेंज करने से ही लाइटों में फर्क पड़ गया। एक फोग लाइट की ट्यूब खराब है, वो भी चेंज करेंगे इसकी, वो चेक करते हैं साइड की, राइट साइड की। अभी भी गाड़ी में 2 लीटर कूलेंट डालेंगे क्योंकि कूलेंट इसके अंदर था नहीं, पानी था इसके अंदर। कूलेंट की क्वालिटी भी देखो आप, सर्विस में तो आपको दिखाता हूँ, अभी भी चेक करो भाई। अभी गाड़ी को कर दिया हमने स्टार्ट, थोड़ी देर इसको स्टार्टिंग पे ऑन रखेंगे ताकि हमें पता लगे फिर से गाड़ी गर्म तो नहीं होएगी। तो फोग लैंप की ट्यूब है गाड़ी की, अभी वो चेंज कर रहे हैं, वो खोल ली हमने, उसको चेंज करेंगे, नई डालेंगे इसके अंदर, और लगभग 20 मिनट के आसपास गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे भाई कोई लीकेज वगैरह किसी तरह की कोई दिक्कत गर्म होने की। ये सारी हमने जो मेन कारण था वो दूर कर दिया, अभी इसको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि खर्चा कितना आया गाड़ी के ऊपर। भाई अभी आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को लेके जा रहे हैं ट्राई पे, टेस्ट ड्राइव पे लेके चल रहे हैं गाड़ी को। बाकी काम हमने गाड़ी का सारा कर दिया भाई जो था इसमें, थर्मोस्टेट एल्बो डाल दी, कूलेंट डाल दिया, जो नीचे एक पाइप लीक था वो भी चेंज कर दिया, और जो कस्टमर की ठीक है गाड़ी की हेडलाइट चेंज करनी है, ट्यूब भी चेंज करनी है हेडलाइट की, रोशनी कम है वो भी हमने चेंज कर दी, एक फोग लाइट की ट्यूब भी चेंज हुई है। तो इस तरह से कुछ काम हुआ है गाड़ी के अंदर। अभी इसको चलते हैं एक बार रोड पे चला के देखते हैं कि क्या कंडीशन है गाड़ी की, दोबारा से गर्म होगी या नहीं होगी। भाई वर्कशॉप के अंदर हमने गाड़ी को लगभग 20 मिनट के करीब लगभग स्टार्ट करके देखा है, कोई दिक्कत गाड़ी में नहीं हुई, मगर एक बार रोड पे भी चलाना बनता है, रोड पे चला के देखते हैं गाड़ी को, ट्राई लेते हैं और आपको बताते हैं कि गाड़ी पे खर्चा कितना आया। तो अभी बात करते हैं कि जो थर्मोस्टेट वाल हमने गाड़ी के अंदर डाला है, एल्बो जो हमने डाली है, उसका खर्चा कितना आया। भाई सिर्फ बात उसकी करेंगे क्योंकि बाकी सामान तो सारा अलग होता है। तो थर्मोस्टेट का जो खर्चा आया भाई लगभग आया है 2600 रुपये के आसपास। 2600 रुपये में गाड़ी के अंदर कूलेंट भी डाला है, थर्मोस्टेट एल्बो भी डाली है और उसके अंदर लेवर भी है, ये सारा काम है जो गाड़ी के अंदर हमने किया है। यदि आपके पास भी अभी मारुति की कोई भी गाड़ी और आप कराना चाहते हो हमारे पास अपनी गाड़ी का काम, अपनी वर्कशॉप का नाम है ओम मोटर वर्कशॉप, जो पड़ती है कुरुक्षेत्रा में, जो कुरुक्षेत्रा की यूनिवर्सिटी है ना बिल्कुल उसके साथ ही पड़ती है भाई, थर्ड गेट यूनिवर्सिटी के साथ ही पड़ती है, मेन गेट है जो यूनिवर्सिटी का, थर्ड गेट है बिल्कुल उसके साथ ही पड़ती है। तो अभी गाड़ी का हमने काम कर दिया, मिलेंगे आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, वेट करना हमारी नेक्स्ट वीडियो का भाई, तब तक के लिए जय हिंद।